पूर्वांचल का महापर्व छठ शनिवार को श्रद्धा विश्वास और उल्लास के साथ मनाया गया। पिछले लगभग 14 घंटे से निर्जला उपवास पर चल रही महिलाओं ने गर्रा घाट आदि घाटों पर विधि विधान से पूजा का, छठ मैया के पारंपरिक गीत गाए और सूर्यदेव को आग्रह परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। छठ महोत्सव के तीसरे दिन महिलाओं ने सज धज कर शाम करीब 3 बजे से गर्रा पुल के नीचे तट पर पहुंचना शुरू कर दिया था। वहां उन्होंने नदी की रेत से छठ मैया की प्रतीकात्मक स्थापना के गन्ने से ढक दिया। बाद में विधि विधान मौसमी सब्जियों फलों स्थान घरों में तैयार किए गए ठेकुआ पकवान पूजन किया। इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे के सिंदूर से लंबा तिलक लगाकर छठ मैया के गीत गाए। पूजा देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता रही। महिला ने नदी किनारे बैठकर छठ मैया के पारंपरिक गीत गाए और देर रात को वापस घर लौटे। रविवार सुबह उगते सूर्य देव की उपासना की। छठ पूजा के समय गर्रा पुल के नीचे तट पर ढोल बाजों से गूंज उठा। 36 घंटा मान के चलिए, 36 घंटा होता है। बहुत महान पर्व है। अब बहुत माना जाना पर्व है जो पूरा से चलते आ रहा है और बहुत बड़ा पर्व है और बहुत परिश्रम करने का है। 3 दिन रहना पड़ता है। तो आप लोग क्या मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्या क्या मांगते हैं बताइए? छठ पर्व में बताइए, परिवार के लिए क्या मांगते हैं आप? साग के लिए, बच्चों को लिए, बहुत अच्छा लगता है करता हुआ व्रत छठ पूजा। जी तो आप भी व्रती हैं? हम भी व्रते हैं। कितने घंटे का व्रत होता है आपका? 2 दिन का, 3 दिन का होता है व्रत। हम भी, हमारी देवरानी है। जी बोलने वाले लोग हाँ कुछ पार्ट हो बोलने। तो छठ पर्व ये सर क्या सूर्य नारायण के ऊपर होती है या गंगा मैया के ऊपर? गंगा मैया भी उसमें शामिल है। गंगा जी में जाके ही ये पूजा होती है। जी छठ के नाम से जाना जाता है। दिवाली के 6 दिन बाद एक पर्व होता है। कात्यायनी देवी, जैसे 9 देवियों में देवी होती है, उसी में से ये भी एक छठ देवी है। और जो है 6 दिन के बाद पूजा होती है और गंगा जी में खड़े होके, गंगा के किनारे ही है। गंगा जी में कोई तालाब हो या नहर हो, इस तरह से जल में ही पूजा किया जाता है। जल के किनारे खड़ा होते हैं, शाम को सुबह जल के अंदर खड़ा होके पूजा करते हैं और सूर्य नारायण के उदय होने पर दूध से अर्घ दे करके पूजा संपन्न होता है। और फिर अपना विनती करके कोई अपना परिवार के लिए, नौकरी चाकरी के लिए छठ माँ से अपना विनती करता है कि मुझे आगे बढ़ा दो, मुझे संपत्ति दे दो। कोई बच्चों के लिए उपासना करता है, कोई किसी के लिए। मेरी सास ने भी एक तरफ मतलब कहा था कि मेरे लड़का होएगा तो रहेंगे, वो तो मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। तो उन्हीं के उसमें हम लोग 5 साल 4 फल 9 फल करके हम लोग यहाँ पे आते हैं। सुबह को भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, दर्शन करके खुद लोग घर जाते हैं।